हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ सम करेंगे। चैप्टर है सेट्स यानी समुच्चय। तो हमने एक कॉन्सेप्ट किया था बहुत ही जरूरी, जिसको हम आज रिवाइज करेंगे और आगे इसके आधार पे क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ रूल्स भी करेंगे। तो बच्चों, हमने सीखा था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स यानी समुच्चय का पूरक क्या होता है। तो समुच्चय का पूरक क्या होता है बच्चों, इसको हम ए डैश से, अगर कोई समुच्चय ए है तो उसके पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट को ए डैश से हम प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं। तो होता क्या है भाई, कोई यूनिवर्सल सेट है, उसमें से अगर किसी हम सेट को माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो हमारे पास उसका पूरक सेट आता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, यूनिवर्सल सेट में से हमने सेट ए घटाया तो इसका कॉम्प्लीमेंट आता है, इसका पूरक आता है बच्चों। इसी तरह से एक एग्जाम्पल की मदद से और डायग्राम की मदद से सेम चीज आपको समझाई गई है कि भाई यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स आपको दिए हैं और एलिमेंट ए सेट के एलिमेंट्स यहाँ पे दिए हैं। अब अगर हम ए डैश निकालना है तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए करेंगे और वो ये चीज आ जाएगी। बेसिकली डायग्राम की मदद से आपको समझाया गया है कि भाई अगर ये रेक्टेंगल एक यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर जो सर्कल है वो सेट ए है, तो सर्कल को छोड़ के बाकी एरिया इसका ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। ये चीज होती है। तो बच्चों, इसको आपको रिवाइज करना है। एक बार आप इसको नोट कीजिए और रिवाइज कीजिए इसको, ताकि इसके आधार पे हम आगे क्वेश्चंस कर सकें। तो बच्चों, इसके बाद हमने एग्जाम्पल किया था और अब हम जो करने जा रहे हैं बच्चों, वो है एक रूल। तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे कौन सा रूल हम कर रहे हैं।
बच्चों यहाँ पे एक नियम है, डी मॉर्गन का नियम, ठीक है। डी मॉर्गन रूल है, क्या कहता है कि भाई आपके पास अगर दो समुच्चय हैं ए और बी, तो दो समुच्चय के सम्मिलन का पूरक, दो समुच्चयों के सम्मिलन का पूरक उनके पूरक समुच्चयों का सर्वनिष्ठ होता है। तथा देखिए पहला पॉइंट ये प्रूव किया गया है, सम्मिलन मतलब बच्चों यूनियन, ये चीज समझते हैं, सम्मिलन को हम इंग्लिश में यूनियन बोलते हैं, जिसका सिंबल होता है ये, ठीक है। तो दो समुच्चयों का जो यूनियन है और उसका कॉम्प्लीमेंट है, पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट है, तो वो क्या होता है पूरक समुच्चयों का। देखिए इसके जो जैसे दो सेट हैं, क्या ए और बी, ए एंड बी हैं, तो इसके कॉम्प्लीमेंट क्या होंगे, ए डैश बी डैश, तो इसके पूरक समुच्चयों का जो, यही चीज आपको बोली गई है कि भाई दो समुच्चयों के यूनियन का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा, जो इनके दो सेट हैं, पूरक सेट हैं ए और बी, इनका इंटरसेक्शन होगा, ठीक है, इनका सार्वनिष्ठ होगा, तथा दोनों समुच्चयों के सार्वनिष्ठ का पूरक। अब इस बारी दोनों का सार्वनिष्ठ करके फिर उसका पूरक जो निकाला गया है उनके पूरक समुच्चयों का सम्मिलन होता है, तो इसके देखिए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन होगा। तो यहाँ पे मतलब एक तरह से दोनों चीजें प्रूव करके दिखाई गई हैं कि दोनों चीजें दोनों ही कंडीशन में सही होंगी और ये इक्वल होंगी। तो ये रूल है बच्चों डी मॉर्गन का, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। अब बच्चों ये सबने डी मॉर्गन का जो नियम है कर लिया है, ये भी आपके काम आने वाला है आने वाले क्वेश्चंस में। तो डी मॉर्गन जो रूल है उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। अब बच्चों कुछ गुणधर्म हम करते हैं, पूरकों के कुछ गुणधर्म यहाँ पे होने वाले हैं। जैसे पहला नियम ये है कि ए यूनियन ए डैश क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए डैश ये क्या होगा, ए डैश डैश क्या होगा, फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एंड फिफ्थ है यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों, ठीक है। तो ये किस तरह से हम कर सकते हैं, तो देखिए जो ए यूनियन और ए का कॉम्प्लीमेंट है, इन दोनों को अगर हम यूनियन करते हैं ए और ए के कॉम्प्लीमेंट का, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, यूनिवर्सल सेट आना चाहिए। कैसे आएगा यूनिवर्सल सेट बच्चों, यहां पे देखिए पीछे हमने क्या बोला था कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से सेट ए माइनस कर देते हैं। तो अगर हम यहां से ये ए है इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो ए डैश है ना, और इसका यूनियन कर देंगे ए के साथ, क्या हो जाएगा ये यूनिवर्सल सेट, मतलब इन दोनों के एलिमेंट्स मिला के किसके एलिमेंट्स बनते हैं, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स बनते हैं। तो यही चीज आपको समझाई गई है पहले रूल में। तो ए यूनियन ए डैश क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। अब इसी तरह से अगर इन दोनों का ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करते हैं, मतलब क्या कॉमन है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा स्टूडेंट्स इनमें, इसीलिए हम इसको फाई कर देते हैं, क्या लिख देते हैं, फाई लिख देते हैं। इसी तरह से देखिए इसके ये जो बाकी के नियम हैं ये भी ऐसे ही आप करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ए और इसका कॉम्प्लीमेंट है और उसके कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या होता है
ये दोनों हट जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं और हमारे पास सेट आ जाता है ए। अब देखिए हमारे पास जो फाई है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाई का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट, मतलब जो है फाई मतलब एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट में अगर हमारे पास इसका जो एम्प्टी सेट में एलिमेंट्स हैं इसका अगर दूसरी चीज लिखनी है इसके अलावा तो क्या होगा, वो सारे एलिमेंट्स जो सेट यू में हैं, इसी तरह वो सारे एलिमेंट जो सेट यू में हैं उसका उल्टा क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। तो ये यहाँ पे फाई आ जाएगा। तो बच्चों ये कुछ नियम है, पूरकों के नियम हैं, कॉम्प्लीमेंट के कुछ रूल्स हैं जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको नोट डाउन कीजिए, रूल भी आपके काफी काम आने वाले हैं। बस रूल का मतलब ये है कि अगर आपको ऐसी कोई सिचुएशन दिखे तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि भाई जो यूनिवर्सल सेट है उसका पूरक होगा एम्प्टी सेट या फिर एम्प्टी सेट का पूरक होगा यूनिवर्सल सेट। इसी तरह ये सारे रूल्स आपको समझाए गए हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो स्टूडेंट्स ये जो नियम है और डी मॉर्गन रूल है ये यहाँ पे आपका काम आएगा। इसीलिए अब हम क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ में आए हैं बच्चों, कितने रूल्स जो हमने किए हैं वो आपने समझे हैं। तो इसमें देखिए आपको कुछ सेट्स दिखाई दे रहे होंगे, जैसे सेट यू है, ठीक है, यूनियन यूनिवर्सल सेट जो है उसके एलिमेंट्स आप देख सकते हैं, उसके बाद सेट ए, सेट बी एंड सेट सी, इन सब के अवयव आप देख सकते हैं, एलिमेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको करना क्या है, आपसे पूछा गया है उनका आंसर देना है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में आपसे ए का कॉम्प्लीमेंट पूछा गया है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। क्लियर है? अब हमें ये देखना है कि भाई यूनिवर्सल सेट में कौन से एलिमेंट हैं, तो एक से लेके नौ तक सभी एलिमेंट्स हैं, जबकि ए में कितने हैं, एक से लेके चार तक। तो एक से लेके चार तक हम यूनिवर्सल सेट से एलिमेंट हटा देंगे और बाकी जो बचेंगे उनको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पांच छह सात आठ नौ, ये क्या हो गए, ये सेट जो ए है उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसी तरह सेट बी का कॉम्प्लीमेंट आप निकाल लेंगे, जैसे सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला है यूनिवर्सल सेट माइनस है, इसीलिए बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस बी। इसको आप हल करेंगे, फिर सी पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये सभी इसी तरह से होंगे सॉल्व। तो एक बार आप कोशिश करेंगे इसको हल करने की स्टूडेंट्स, और जो भी आपके आंसर आते हैं चैट के माध्यम से अपने आंसर आप शेयर करेंगे।
तो स्टूडेंट्स आगे की पार्ट्स देखिए कैसे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट बी है, सेकंड पार्ट है बी का कॉम्प्लीमेंट। तो आप करेंगे यूनिवर्सल सेट माइनस बी, क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से आप बी हटा देंगे, बी के एलिमेंट्स, तो क्या बच जाएंगे, देखिए बी में एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, तो 1, 3, 5, 7, 9, ये आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से अगर थर्ड पार्ट देखिए, इसमें सबसे पहले तो आपको ए यूनियन सी निकालना पड़ेगा, ठीक है, ए यूनियन सी निकालेंगे उसके बाद आगे कुछ करेंगे हम। तो ए यूनियन सी आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, सीधा आपको ए के एलिमेंट और सी के एलिमेंट्स देखने हैं, दोनों को कंबाइन करके लिख देना है। ए के एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 और सी के एलिमेंट है 3, 4, 5, 6, तो 3, 4 तो ऑलरेडी आ गया, उसको रिपीट नहीं करेंगे, ये आ गए ए यूनियन सी। लेकिन हमें ए यूनियन सी नहीं चाहिए, हमें चाहिए इसका कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या करेंगे भाई, ये निकालने के लिए जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से ए यूनियन सी को हम माइनस कर देंगे, क्या आएगा, देखिए यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट्स देख लीजिए और जो ए यूनियन सी में है उनको हटा दीजिए इस सेट से, तो कौन से एलिमेंट बचेंगे, 7, 8 एंड 9। इसी तरह फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में बोला गया है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, ए यूनियन बी निकालने के लिए बच्चों ए के और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखेंगे 1, 2, 3, 4, फिर आता है 6, 8, ये दोनों के यूनियन हो गया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालेंगे तो इसको यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे, क्या बच जाएगा, 1, 2, 3, 4 तो ऑलरेडी है, यहाँ पे 5, 6 नहीं आएगा, 7, 8 नहीं आएगा, 9, 5, 7, 9। तो ये देखिए चार पार्ट हमने किस तरह से किए हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, आके फिर बाकी के दो पार्ट्स करेंगे, जल्दी से इनको नोट डाउन करो। तो अब स्टूडेंट्स दो पार्ट इसके बचे हैं, वो करेंगे हम सॉल्व। फिफ्थ पार्ट में देखिए, यहाँ पे जो हमने गुणधर्म किए थे वही चीज आ गई है भाई, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए ही होगा और सेट ए जो है वो लिख देंगे आप। इसी तरह से सिक्स्थ पार्ट करेंगे तो इसमें b माइनस सी निकालना है पहले, तो b माइनस सी क्या हो जाएगा, b के एलिमेंट्स देखिए 2, 4, 6, 8 और c के एलिमेंट 3, 4, 5, 6, तो आप इनको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2, 4 इसमें कॉमन है वो नहीं आएगा, फिर 6 नहीं आएगा और 8 आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन हमें तो निकालना है b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, तो वो क्या होगा, जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से b माइनस सी को हमें घटाना है, क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से देखिए 2 और 8 हटा के बाकी सभी एलिमेंट लिख दीजिए। ये हो जाएगा b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपके सामने जो भी क्वेश्चंस आएंगे, हमने बेसिक्स कर लिए हैं, किसी भी सेट का पूरक कैसे निकालते हैं उसके इतने सारे रूल्स किए हैं,
डी मॉर्गन रूल किया है उसको भी आप ध्यानपूर्वक रिवाइज करेंगे, जितने भी इनके गुणधर्म हैं उनको घर पे रिवाइज करेंगे और ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करके लाएंगे बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।